नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिग्विजय नारायण चौबे के बारे में। दिग्विजय नारायण चौबे का जन्म 15 अक्टूबर 1970 को यूपी के संत कबीर नगर जिले के भिटाहा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोमती प्रसाद चतुर्वेदी है। उन्होंने 1994 में पूनम चतुर्वेदी के साथ शादी की थी। उनके दो बेटे सत्यम और स्वयं और एक बेटी स्मृति है। वह ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बैंगलोर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्नातक की डिग्री हासिल की थी। दिग्विजय नारायण चौबे ने शुरुआती राजनीति पहली बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़कर राजनीति में एंट्री की। चौबे ने अपना राजनीति सफर सोलहवीं विधानसभा 2012 के चुनाव में प्रथम बार विधानसभा का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वह तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आयुब ने हराया था। वह वर्ष 2017 के विधानसभा में भाजपा के टिकट पर मैदान में थे, जहां वह विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आपको बताते चलें, दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे संत कबीर नगर जिले के साथ ही बस्ती जिले में विद्यालय के व्यवसाय काफी फैला हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करने के लिए दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे लगातार प्रयासरत रहे। तमाम कार्यों में उन्हें सफलता भी हासिल हुई। इस बीच क्षेत्र के लोगों की मांग पर उन्होंने कोटे को ब्लॉक मुख्यालय बनवाने के लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव तैयार कराया और स्वीकृत के लिए शासन को भिजवाया, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। इसी बीच जब पंचायत चुनाव हुए तो उन्होंने अपने नजदीकी लोगों के लिए जिला पंचायत सदस्य के टिकट की मांग की, लेकिन भाजपा के अंदर आपसी खींचतान में उनका अधिकतर समर्थकों का पार्टी से टिकट नहीं मिला। इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बलराम यादव को टिकट दिलाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। उन्होंने बाद में सपा से समर्थन दिलवाकर बलराम यादव को जिताने में सफलता हासिल की। इस जीत के बाद उन्होंने साबित कर दिया जिले में उनकी अच्छी जनाधार है। उन्होंने सिमरियावां ब्लॉक प्रमुख कुर्सी पर भी सफलता हासिल की थी। बाद में भाजपा छोड़कर पूर्वांचल के दिग्गज ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे के साथ सपा में शामिल हो गए। सपा में जाने के कारण उनके द्वारा बातों को दरकिनार किए जाने की वजह सामने आई थी। हाल ही में हुए 2022 की विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव खलीलाबाद से लड़ा, जहां उन्हें भाजपा के अंकुर राज तिवारी से हार का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें, अंकुर राज तिवारी के पिता उदय राज तिवारी पूर्वांचल के कद्दावर नेता राकेश पांडे के पीआरओ हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।